गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आप इस समय पढ़ रहे हैं चैप्टर सेवन यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होते हैं और फ्रैक्शन को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। जैसे 1/2, तो 1/2 को हम हाफ पढ़ते हैं। 1/4 को 1/4। और बच्चों, जो 2/2 होते हैं, 2/2 मिल करके एक 1/2 बनाते हैं। ओके, इसी प्रकार से आपको डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर भी पढ़ा चुके हैं कि न्यूमरेटर किसे कहते हैं एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में जो लाइन के ऊपर लिखा जाता है नंबर, उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं और जो लाइन के नीचे नंबर लिखते हैं उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ओके, तो अब आपको इस दिए गए क्वेश्चन में लिखना है कि न्यूमरेटर क्या, फ्रैक्शन दिए हैं। फ्रैक्शन को बच्चों हम जैसे 1/2, तो हम इसको हाफ भी पढ़ते हैं, और 1/2 क्या पढ़ेंगे हम इसको, 1/2। 1 इज न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर। 1 जो नंबर है ये कहाँ लिखा है, न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर रिटेन ऑन द लाइन एंड डिनोमिनेटर रिटेन बिलो द लाइन। ओके, इसी प्रकार से अब आपको इसमें बताना है कि एन और डी लिखा है ना, बॉक्स बने, तो बच्चों ये बॉक्स क्यों बने हैं? यस, यानी यहाँ पर एन बराबर न्यूमरेटर, यानी एन के स्थान जो बॉक्स है उसमें आप न्यूमरेटर के नंबर लिखेंगे एंड डी यानी डिनोमिनेटर, तो आप जो डिनोमिनेटर होगा उसे आप सेकेंड बॉक्स में रखें। तो बच्चों जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया 1, तो न्यूमरेटर क्या होगा 1 एंड डिनोमिनेटर 2। बहुत ही सिंपल है और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। इसी प्रकार से सेकेंड में 8/16, बच्चों हम इसको 8/16 या 8/16 या 8/16 क्या क्या पढ़ सकते हैं, 8/16, 8/16 या 8/16। और हम इनको वर्ड में भी लिख सकते हैं 8/16। ओके, जिसमें कि डिनोमिनेटर हमेशा प्लूरल्स में लिखते हैं। तो अब इसमें आपको बताना न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो बच्चों न्यूमरेटर कहाँ लिखते हैं हमेशा, यस न्यूमरेटर रिटेन ऑन द लाइन एंड डिनोमिनेटर रिटेन बिलो द लाइन। न्यूमरेटर हमेशा लाइन के ऊपर एंड डिनोमिनेटर लाइन के नीचे। देखिए बच्चों, मैं बार बार एक ही चीज़ को दोहरा रही हूँ, तो इससे आपको ये आसानी से लर्न हो जाएगा और इसको आप आसानी से समझ सकेंगे। यानी एन को न्यूमरेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर। एन वाले बॉक्स में आप ऊपर वाले नंबर लिखेंगे जो न्यूमरेटर है, और डी में आप डिनोमिनेटर जो लाइन के नीचे लिखे हैं। तो बच्चों अब आप फिल कर लोगे, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको करना है राइट द फ्रैक्शंस। बच्चों पहले में आपने देखा फ्रैक्शन दिए थे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखे थे। अब आपको यहाँ पर न्यूमरेटर दे दिया है, डिनोमिनेटर दे दिए हैं, और आपको क्या लिख बनाना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। तो अब आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी एन वाली संख्या जो है वो कहाँ लिखेंगे, लाइन के ऊपर, एंड डी वाली संख्या को नंबर को कहाँ लिखेंगे आप, हाँ डी वाले नंबर को लाइन के नीचे। ओके, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, 3/12। अच्छा, अब इसको बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आप सॉल्व कर सकते हैं, 9/10। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 8 है,
जिसमें आपको एफ आई बी फिल करनी है। क्या फिल करना है बच्चों? एफ आई बी, जिसे आप इसी बुक में करेंगे। हाउ मैनी फिशेस आर देयर इन ऑल, यहाँ पर टोटल फिशेस काउंट कीजिए। टोटल फिशेस यहाँ पर कितनी है बच्चों? तो चलिए काउंट करते। टोटल फिशेस यहाँ पर 20 है। टोटल फिशेस देखिए 1 2 3 4 5 5 5 10 10 5 15 एंड 15 5 20। तो टोटल फिशेस यहाँ पर कितनी है? 20। तो आंसर क्या होगा? देयर आर इन ऑल 20 एंड कलर हाफ ऑफ देम ग्रीन। उनमें से जितने भी टोटल दिए, टोटल का हाफ करेंगे तो बच्चों 20 टोटल नंबर्स कितने हैं इसके? 20 एंड 20 का हाफ कितना होगा? कल ही हमने आपको पढ़ाया है हाफ ऑफ 20, हाफ ऑफ 20 इज इक्वल टू 10, हाफ ऑफ 40 इज 20, हाफ ऑफ 30 इज 15, हाफ ऑफ 10 इज 5, यानी कि उसमें 2 से डिवाइड हो जाना है, जस्ट उसका आधा कर देना जिसको कहते हैं। तो 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 4 का आधा 2, आधा यानी हाफ। ओके बच्चों, तो अब जैसे 20 फीसेज है तो 20 फीस का हाफ कितना हो जाएगा? 10। तो 10 फिश को आप लोग ग्रीन कलर से कलर कीजिए, काउंट कीजिए। एनी 10, कोई भी 10 हो सकती हैं। ओके अच्छा, अब आपको बताना हाउ मैनी फिश आर ग्रीन। ग्रीन फिशेस कितनी होगी बच्चों? अभी हमने आपको कलर कराया ना, तो बताइए ग्रीन फिशेस कितनी हो गई? वेरी गुड, 10। तो अब आप यहाँ पर कितना आंसर लिखेंगे? 10। कलर 1/4, 1/4 ऑफ देम ब्लू। अब ये बताइए 1/4 ऑफ 20 कितना हो जाएगा? फिर से आपको 4 से 20 को डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा? 5। 1/4 ऑफ 20 यानी 5। कैसे है? 4 5 जो 20 होते हैं ना बच्चों, इसी प्रकार से 1/4 ऑफ 2, 1/4 ऑफ 12। अगर 12 का 1/4 करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 3। 1/4 ऑफ 16 तो कितना होगा बच्चों? 4। यानी हम जिनसे 4 को डिवाइड कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर अब 1/4 ऑफ 20 यानी 5। तो बच्चों कितनी फिशेस ब्लू होंगी? 5 फिशेस। अब 10 हमारे पास टोटल कितनी थी? 20। 20 में 10 कलर कर दी ग्रीन एंड 5 कलर कर दी ब्लू, तो टोटल कलर्ड कितनी हो गई फिशेस? यस। अब आपको बताना है कि जो रिमेनिंग फिशेस हैं वो कितने होंगी। जो अब यहाँ पर रेस्ट फिशेस यानी जो बच गई हैं फिशेस, वो कितनी बची बच्चों? 10 और 5 यानी 15 तो निकल गई है। 20 में 15 आपने कलर कर ली, अब कितनी बची हैं बच्चों? वेरी गुड, टोटल बची है 5। अब 5 फिशेस कितनी किस कलर से होनी चाहिए? ऑरेंज। तो इस तरीके से हम इनको जो है डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके उसी के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन में दे दिया है कि कलर कीजिए, हमने कलर की। तो बच्चों अब आपको डिवाइड करना भी आ गया ना, फ्रैक्शंस को हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे? वेरी गुड। तो अब आप इसे अपनी बुक में फिल करेंगे, और सेकंड क्वेश्चन को भी बुक में ही फिल करना है, साथ में अपनी बुक में डेट मेंशन करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।